वेलकम टू माइरे ग्रेविटी आई एम गिरधर कुमार लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस की थी आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली थ्री क्लासेस में क्लासिफाइड है मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेकराइड्स और पॉली पर किसी किसी बुक में डाई करके भी एक अलग क्लास बना दिया हुआ है पर एक्चुअल में डाई सेक्राइड्स के ही अंदर में आता है वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शुगर्स की फिर बात करेंगे नॉन शुगर्स की शुगर्स कहने का मतलब हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट हो एंड शुगर्स आर फर्दर क्लासीफाइड एज मोनोकराइड्स एंड ऑलिगोसेकराइड्स नॉन शुगर में हमारे पॉलीसक्राइड्स आते हैं पॉलीसैक्राइड्स को नॉन शुगर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो स्वीट इन नेचर नहीं होते हैं तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मेन क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पहला हमारा मोनोसैक्राइड्स है सैक्राइड्स वर्ड सैक्रिन से बना है जिसका ग्रीक मीनिंग होता है स्वीट इन नेचर और वो हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है और मोनो मतलब सिंगल तो मोनो का मतलब हो गया सिंगल सैक्राइट्स मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद भी वो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेकडाउन ना हो सके इसलिए मोनो को अल्टीमेट सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सुगर्स कहा गया है और हाइड्रोलाइज कहने का मतलब हुआ कि उसे वाटर में डालने से उसके जो मॉलिक्यूल्स होगा वो फर्दर डिसोसिएट ना हो मोनोसेक्राइड्स के हमारे एग्जाम्पल होंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज कैलेक्टोज एक्सेट्रा अब मोनोसेक्राइड्स भी फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाइड है पहला ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रायोज टेट्रोज़, पेंटोज हेक्सोज़, हेप्टोज और भी आगे ये जा सकती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करती है हम मेनली यहाँ हेक्सोज़ तक ही पढ़ेंगे तो पहला हमारा ट्रायोज़ है ट्रायोज इज़ डिफाइंड एज द मोनोसेक्राइट्स विच हैविंग थ्री कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स ट्रायोज़ हमारा सबसे सिंपलेस्ट मोनोसाक्राइड्स भी है क्योंकि इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं है क्योंकि एटलीस्ट थ्री कार्बन चाहिए होता है हमें एक कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए और इसके पास थ्री कार्बन एटम्स ही है अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के पास या तो अल्टीहाइड्रिक ग्रुप होगा या किटोनिक ग्रुप होगा तो अगर ट्रायोज़ के पास अल्टीहाइडिक ग्रुप है तो उसको अल्डोशुगर बोलेंगे और उसका एग्जाम ग्लिसरल डिहाइड होगा और अगर ट्रायोज़ के पास कीटोनिक ग्रुप है तो उसको बोलेंगे कीटो शुगर और उसका एग्ज़ाम होगा डी एच ए डी एच ए का फुलफॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है मैंने बताया कि सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हमारा ट्रायोज़ है और उसके एग्जाम्पल है हमारा ग्लिसरल डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कि ग्लिसरल डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन एक ऐसा मोनोसेक्राइट्स है जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है ट्रायोज का एम्पेरिकल फार्मूला हमारा होगा सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेट्रोज की टेट्रोज इज़ द मोनोसेक्राइड्स विच हैविंग फोर कार्बन एटम्स इन देयर मोलिक्यूल्स टेट्रोज की एग्जाम्पल है इराइथ्रोज जो हमारा अल्डो शुगर है और इराइथ्रोलोज जो हमारा टीटो शुगर है टेट्रोज का एम्पेरिकल फार्मूला है सी फोर एच एट ओ फोर अब बात करते हैं पेंटोज़ की तो पेंटोज़ एक ऐसा मोनोसेक्राइड्स से है जिसके पास पांच कार्बन एटम है उसके मॉलिक्यूल में पेंटोज आर द मोनोसेक्राइड्स विच हैविंग फाइव कार्बन एटम्स इन दियर मोलिक्यूल्स पेंटोज़ की एग्जाम्पल होगी राइबोज राइबोज हमारा अल्टो शुगर में आएगा और रूज जो हमारा कीटो शुगर में आएगा पेंटोज़ की एम्पेरिकल फॉर्मूला है सी फाइव एच टेन ओ फाइव अब लास्ट क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं हेक्सोज़ की हैक्सोज एक ऐसा मोनोसेक्राइड्स से है जिसके पास छः कार्बन आइटम्स है उसके मॉलिक्यूल में और इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज जो हमारा अल्डो शुगर है और फ्रक्टोज जो हमारा कीटो शुगर है और हेक्सोज़ का एम्पेरिकल फार्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी दो क्लासेस में क्लासिफाइड है हमारा मोनोसेक्राइट्स पहला है अल्डोज दूसरा है हमारा कीटोज़ नाम से ही पता चल रहा है अल्डोजेज़ उसको बोलेंगे जो कंसिस्ट करता हो अल्डिहाडिक ग्रुप यानी कि सी ग्रुप और कीटोजेज उसको बोलेंगे जो कंसिस्ट करता हो कीटोनिक ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अल्डोजेस के एग्ज़ाम्पल में हमारा ग्लूकोज आएगा ग्लूकोज को हेक्सोज भी बोलते हैं और कीटोजेस के एग्ज़ाम्पल में हमारा आएगा फ्रक्टोज उसको हम लोग कीटोहेक्सोज भी बोलते हैं अब कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन में आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में ओलिगोसेक्राइड्स उसको बोलेंगे ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स डेट इल टू टू टेन मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिस मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे वो टू टू टेन यूनिट्स तक होंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि ग्लाइटोसाइटिक बोंड से लिंक्ड रहेगा टू टू टेन मोनोसेक्राइड्स यूनिट हमारा वो हमारा ओलीगोसेक्राइड्स होगा अब ओलीगोसेक्राइड्स हमारा फर्दर क्लासिफाइड है डाइसेक्राइड्स में ट्राई सेक्राइड्स टेट्रासेक्राइड्स पेंटा सेक्राइड्स एक्सेट्रा अपू जहाँ तक ये टेन यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट अचीव ना कर ले तो ओलिकोसेक्राइड्स के क्लासिफिकेशन में हम पहला बात करेंगे डाइसेक्राइड्स का तो डाइसेक्राइड्स बना होता है टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स से और उस दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सुक्रोज, माल्टोज लैक्टोज एक्सेट्रा सुक्रोज हमारा बना होता है वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड वन यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज से माल्टोज़ हमारा बना होता है टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज से और लैक्टोज हमारा बना होता है वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड वन यूनिट ऑफ गलेक्टोज से अब बात करते हैं ट्राई की तो ट्राई हमारा थ्री यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड से बना होता है और इस तीनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ट्राई का एग्जाम्पल होगा माल्टोट्रायोज रेफिनोज एक्सेट्रा माल्टोट्रायोज थ्री यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बना होता है और उस तीनों के बीच में अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड का लिंकेज होता है और रेफिनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के कम्बिनेशन से बना होता है अब बात करते हैं टेट्रासेक्राइड्स की तो टेट्रासेक्राइड्स बना होता है फोर यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स है और इसका एग्जाम्पल है माल्टोटेट्रोज स्टेक्योज एक्सेट्रा माल्टोटेट्रोज फोर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बना होता है और उन सभी के बीच में अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का लिंकेज होता है वहीं स्टेक्यूज़ बना होता है वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज से वन यूनिट ऑफ फ्रक्टोज से और टू यूनिट ऑफ गैलेक्टोज से अब बात करते हैं पेंटा की तो पेंटा फाइव शुगर यूनिट से बने होते हैं इसका एग्जाम्पल है वर्वस्कोज वर्वसकोज वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज वन यूनिट ऑफ फ्रक्टोज और थ्री यूनिट ऑफ गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना होता तो ये सब थी ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डेट इस पोलीसेक्राइड्स तो नाम से पता चल रहा है पोली मीन्स लार्ज और सेक्राइड्स मीन शुगर मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स प्रजेंट हो उसको हम लोग पोलीसेक्राइड्स बोलते हैं पोलीसेक्राइड्स कंसिस्ट करता है मोर देन टेन टू थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग मोनोसेक्राइड्स यूनिट और देर डेरीवेटिव हेल्ड टुगेदर बाई ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड्स अब पॉलीसेकेराइड्स भी दो क्लासेस में फर्दर क्लासिफाइड है पहला हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स दूसरा हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बात करते हैं पहले होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में तो होमो मीन्स सेम पॉली मीन्स लार्ज सेक्राइड्स मीन्स सुगर मतलब जो सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से बना हो और हम ये कह सकते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स होमोपोलीसेाइड्स का एग्जाम्पल होगा सेलुलोज काइटीन स्टार्च ग्लाइकोजिन डेक्सट्रीन इन्युल एक्सेट्रा अब बात करते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स की तो हेट्रोमीन्स हो गया डिफरेंट तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो पोलिसेक्राइड्स डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स से बना हुआ हो उसको हम लोग हेट्रोपोलीसेक्राइड्स बोलेंगे या हम हे बोल सकते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिस इल्ड द मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेक्राइड्स और देर डेरीवेटिव हेट्रोपोलीसेक्राइट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा पैक्टीन गम्स पेप्टिटोग्लाइकिन हैप्रीन हाई एलिरोनिक एसिड एक्सेट्रा अब कुछ पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जो होमोपोलीसक्राइड्स से लाइक सेलुलोज उसका मोनोमर यूनिट हमारा ग्लूकोज होता है काइटीन का मोनोमर यूनिट हमारा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जिसको हम लोग शॉर्ट में एनर्जी बोलते हैं वैसे ही स्टार्च का मोनोमर यूनिट ग्लूकोज़ है ग्लाइकोजन का भी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है इनुलन का मोनोमर यूनिट फ्रक्टोज है सिमिलरली अगर हम हैट्रोपोलिसक्राइडस का एग्जाम्पल लें तो पैप्टीडोग्लाइकन में जो मोनोमर यूनिट यूज होते हैं वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल एनएसीटाइल एसिड होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में एन ए जी एंड एन एम से जानते हैं होमोपोलिसक्राइड्स भी दो क्लासेस में क्लासिफाइड हैं पहला स्ट्रक्चरल होमोपोलिसक्राइड्स दूसरा दूसरा स्टोरेज होमोपोलिसक्राइड्स स्ट्रक्चरल होमोपोलीट्स ऐसा पोलिसक्राइड्स है जो सेल वाल के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को तैयार करने में हेल्प करे इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सेलुलोज काइटीन एक्सेट्रा वही स्टोरेज होमोपोलीसक्राइड्स ऐसा पोलिसक्राइड्स है जो सर्व करती है एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च ग्लाइकोजन इनोलिन फाइटोग्लाइकिन एक्सेट्रा स्टार्च जो कि हमारा स्टोरेज पोलिसक्राइड्स है प्लांट्स का ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज पोलिसक्राइड्स का काम करता है वही इनुलिन भी प्लांट्स में करता है और जो फाइटोग्लाइकन है वो मेज़ का स्टोरेज पोलिसक्राइड्स है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर ऑन द नेक्स्ट वीडियो इफ फाउंड इनफॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल माजूरे ग्रेविटी थैंक यू